नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। मैक्सिको में अमेरिका वायुसेना का F-16 जेट क्रैश, पायलट घायल। नेपाल के पीएम का बेतुका बयान, नेपाली थे भगवान राम, भारत में नकली अयोध्या। कल खुलेगा यस बैंक का FPO, करीब आधे दाम में शेयर खरीदने का मौका। चीन की अंडरग्राउंड मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटी का खुलासा, लेह से 250 किलोमीटर दूर। एम्स में शुरू होगी OPD, एंट्री से पहले होगी इन्फ्लुएंजा की जांच। WHO ने कहा कि कई देश गलत दिशा में लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी और भयावह होगा कोरोना। अपने डॉगी के साथ शहर पर निकली मलाइका अरोड़ा, मास्क लगाए हुई दिखी। एम्स पटना में 18 वॉलंटियर्स पर कोवैक्सीन का इंसानी परीक्षण शुरू। कोरोना पर राहुल गांधी का ट्वीट, कहा कि इस हफ्ते 10 लाख का पार हो जाएगा आंकड़ा। गिरावट के साथ शेयर बाजार की शुरुआत, सेंसेक्स 36,400 अंक के नीचे। दिल्ली में नेपाली दूतावास के बाहर नेपाल के नागरिकों का पीएम ओली के खिलाफ प्रदर्शन। विशाखापट्टनम में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से एक शख्स की मौत, 4 घंटे बाद आग पर काबू। असम राइफल्स ने दीमापुर से हथियारों के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। जयपुर में 3 कारोबारी समूह के 43 ठिकानों पर IT का छापा, नगद ज्वेलरी बरामद। देश में 24 घंटे में कुल 28,000 से ज्यादा कोरोना मरीज, देश में कुल आंकड़ा 8,78,000 के पार। महाराष्ट्र में 2,61,000 के करीब पहुंची कोरोना मरीजों की तादाद। चीन में बाढ़ में 140 लोगों की मौत, 3.5 करोड़ लोग प्रभावित। ग्वालियर में आज से 1 हफ्ते का लॉकडाउन, जिले की सभी सीमाएं होंगी सील। सियासी संकट के बीच सीएम अशोक गहलोत के करीबियों पर आयकर के छापे। यूपी के श्रावस्ती में उफान पर राप्ती नदी, सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं लोग। गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए देनी होगी फास्टैग की जानकारी, सरकार का निर्देश। असम में बाढ़ व बारिश से 23 जिले प्रभावित, राहत कार्यों में जुटी NDRF। ग्ली फेम एक्ट्रेस नया निवेरा की 33 साल की उम्र में मौत, 6 दिन से थी लापता। सारा अली खान के ड्राइवर को कोरोना, परिवार के सभी लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव। कोरोना काल में इंडीज का जीत से आगाज, पहले टेस्ट मैच में दिया इंग्लैंड को मात।